भाजपा सरकार द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो संसद में सदस्यता रद्द की है वो निंदनीय है। ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है और भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में लगी हुई, जबकि इस तानाशाही सरकार से देश व प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, हर वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति चाहता है। इस सरकार ने लगातार अपने 9 साल के कार्यकाल के अंदर देश की जनता पर टैक्सों का नाजायज बोझ डालकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। ये वो निकम्मी सरकार है जिन्होंने देश के किसानों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को, व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया। 13.5 महीने लगातार किसान सड़कों पर धरना देते रहे, 750 किसान शहीद हो गए। जहां हरियाणा की स्थिति आपके सामने है, आज सरपंच सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, MBBS के छात्रों ने आंदोलन किया, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन किया, यहां तक कि सरकारी कर्मचारी वो सड़कों पर। ये तानाशाही सरकार ने हर वर्ग को लाठी डंडों से आंकने का काम किया और इनको दुड़ा दुड़ा कर बेदर्दी से पीटने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है। केंद्र में और हरियाणा के अंदर दोनों जगह भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में सरकार बनते ही पहली कलम से ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाएगी। ये मुख्य एजेंडा के अंदर हमारा है। पूरे देश के अंदर जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां वहां ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाएगी। 30 स्टेटों में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान में और हिमाचल में। आपके सामने हिमाचल में सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर पहली कलम से ओल्ड पेंशन योजना कांग्रेस पार्टी ने लागू की। इसी प्रकार हम 300 यूनिट बिजली फ्री हरियाणा में देंगे, 500 रुपए रसोई गैस का सिलेंडर देंगे और उसके साथ साथ 100-100 गज के मुफ्त प्लाट, जो पहले हमने 3,82,000 गरीब जनता को दिया था, उसी कड़ी के अंदर हर गरीब आदमी को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। यहां तक कि बुढ़ापा पेंशन इस सरकार ने काटने का काम किया है। जिंदा ताई ताऊ, जिंदा फुफा की इन्होंने पेंशन काट दी। ये वो सरकार है, कहती थी हम 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, ताई गांवों में ठेके बंद कर देंगे, उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी देंगे। आज आपके सामने है, पेंशन देने के बजाय पेंशन काट ली। 8,41,000 गरीब लोगों के राशन कार्ड काट के मुंह का निवाला छीनने का काम अगर किसी ने किया है, ये भाजपा JJP की निकम्मी सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे। जो गरीबों के राशन कार्ड कटे हैं उनको राशन कार्ड बनाएंगे। जो बुजुर्ग जिनकी पेंशन काटी गई है, जिंदा है, जिन्होंने जिंदगी बरात निकाली, उन सभी की पेंशन पहली कलम से, पेंशन कांग्रेस के राज के अंदर
बनाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक कि ये सरकार लाठी डंडे के जोर पर, सीबीआई के जोर पर, इनकम टैक्स के जोर पर, ईडी के जोर पर जो कांग्रेस पार्टी की आवाज दबानी चाहती है, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये आवाज जनता की आवाज बन चुकी है, जनता की आवाज संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में, यहां तक कि सड़कों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जनता के हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। दावे के साथ कहता हूं पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर और कांग्रेस का हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस निकम्मी सरकार के जो 9 साल का जो कार्यकाल रहा, जिससे जो प्रदेश की जनता दुखी है, वो बता रहा है किस प्रकार हर चीज में महंगाई बढ़ी, कैसे बेरोजगारी बढ़ी, कैसे यहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, ये उजागर कर रहा है। और जनता के हित में 2005 से लेकर 2014 तक जो हमने काम किया, 2 रुपये किलो गरीबों के लिए हमने गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपये किलो हमने दाल देने का काम किया, 100-100 गज के मुफ्त प्लाट देने का काम किया, हर गरीब के अंदर घर के लिए पाइप की लैंड, पीने की पाइप की टूटी की लैंड, टूटी फ्री पाइप लैंड फ्री, पीने की टंकी फ्री, जितनी योजनाएं हमने लागू की वो सारी योजना दोबारा लागू की जाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, योजना तो लागू की जाएगी, इस सरकार ने 2014 में सरकार बनती सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी योजनाओं को बंद करके जनता के साथ जाति करने का काम किया है। इसी की विरोध के अंदर हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जनता के हित में काम किया है और काम करेंगे। और आज पूरा प्रदेश की जो मैं बात कर रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर एकजुट होकर पूरा संघर्ष कर रहा है। छोटी सी वर्कर मीटिंग होती है तो रैली के रूप में बदल जाती है, सोनीपत के अंदर लाखों आदमी, यमुनानगर में लाखों आदमी, और छोटी छोटी हाथ जोड़ो जो है अभियान है उसके तहत भी दुनिया भर के लोग, यानी कि छोटी सी जनसभा के अंदर भी 15,000 लोग पहुंच रहे हैं। तो इससे साफ सिद्ध होता है जनता बदलाव चाहती है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है।